माशाल्लाह कैसर भाई को जवानी में उम्र की सआदत नसीब हो रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इससे बड़ी खुशकिस्मती हो नहीं सकती है कि जवानी में अगर उम्र हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई कैसर भाई को भट्टी साहब ने, अंकल आरिफ ने बहुत ज़्यादा पुतकबाल इस्तकबाल किया कि भाई आप जा रहे हैं, उनकी वालदा मेरी जो खाला लगती हैं, ये दोनों जा रहे हैं माशाल्लाह उम्र के लिए। डॉक्टर साहब ने जफियाँ डाल के अपने लिए भी दुआ के लिए बोला। फिर इसके अलावा अपने इश्तियाक भाई जर्मनी से आए हुए, उन्होंने वो भी वहीं पर थे, तो हमने सोचा कि इनको साथ छोड़ के आते हैं एयरपोर्ट, साथ शायद कुछ ना कुछ दुआएं मिल जाएं। तो मेरे भाई वो नवीद भाई भी बोल रहे भाई मुझसे भी मिल लो, मैं भी कैमरे में आ जाऊं। तो नवीद भाई कैमरे की तरफ मुड़ गया, मैंने भी भाई पूरे तरीके से जो है ना बना ली। मैंने बोला भाई बहुत हो गया, चलो भाई टाइम कम है अपने पास, अभी हम लोगों ने जाना है कब्रिस्तान में भी जाना है, क्योंकि मेरे जो अंकल जी हैं अंकल मुनीर वो वफात पा चुके हैं। तो लिहाजा जाने से पहले कैसर भाई और मैं और हम सब कज़न जो हैं पहले गए कब्रिस्तान, वहाँ पे दुआ की। और दुआ ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी कैसर भाई की, बहुत अच्छी बात कि वैसे भी ये हर जुम्मे को माशाल्लाह ये जाते हैं ना कब्रिस्तान जाते हैं। तो दुआ करने के बाद जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे भाई वो फ़ोटो सेशन वगैरह करवाया है, पूरी फैमिली आई हुई थी माशाल्लाह, पूरी की पूरी फैमिली, पूरा को पूरा मोहल्ला उठा हुआ था। सुबह सुबह जाना था, आप यकीन माने कि मेरे दिल की उमंग हुई कि कब वो टाइम आए कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह उमरा के लिए जाऊं। कैसर भाई को एक बार फिर मुबारक। अच्छा कैसर भाई मैं पूछने लगा की रिएक्शन आ रहे हैं तुम्हारा, माशाल्लाह उमरा के बन जा रहे हो। घर जा रहे हैं भाई, बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है, बड़ा शुक्र अल्लाह ने बुलाया सानू। अच्छा खाला जी तुम्हारा की रिएक्शन है? अच्छा जी माशाल्लाह भाई तुम देख लो कितनी माशाल्लाह वाह आई है तुम्हें छड़न है, बहुत अहीं तो प्राउड फील कर रहे हैं। तो साढ़े लिए सानू दुआवां च याद रखना है, लाजमी है इंशाल्लाह 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 अल्लाह सानू भी मौका देगा है। हाँ जी नवीद भाई दसो की रिएक्शन आ रहे माशाल्लाह, याद खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट है माशाल्लाह। माशाल्लाह यार छड़न आई है, प्राउड फील हुंदा है। हां जी ऐसे ओदी पता की वजह है, ओदी वजह है कि हर बंदे दी खुशी ओ गम च शामिल हुंदा है, ओदी वजह तो देख लो पूरा मोहल्ला बाहर निकले के मिलन, तमाम मेंबर्स ने दरख्वास्त की स्पेशली के भाई सबके लिए स्पेशल दुआ की जाए, क्योंकि वहाँ जाने लगे हैं जहाँ हर बंदे की दिली ख्वाहिश होती है, मरते दम तक ख्वाहिश होती है कि यार कब हमें भी मौका मिले। भाई यहाँ से अलविदाई के बाद जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ हूँ और इमिग्रेशन क्लियर करवाई है और फटाफट जहाज़ में बैठा हूँ, छोटी मोटी भूख लगी थी खाया पिया और फिर जो नज़ारे देखे सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, सऊदी अरब की सरजमीन में दाखिल हुए पहाड़ों के नज़ारे, और उसके बाद सुबहान अल्लाह जो पहली नज़र पड़ी दिल से दुआ निकली कि अल्लाह सबको उमरा और हज की सआदत नसीब फरमा, हर एक की ख्वाहिश पूरी फरमा। तो भाई उस मंजर को मैं बयान नहीं कर सकता, बस इतना सा कहूँगा काबे रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी बार भी अदा किया जाए सारी जिंदगी सजदे में रहूं सुभान अल्लाह। तो भाई उसके बाद हमने तमाम ज़ियारतें की और मदीना के लिए रवाना हुए, और जब हम माशाल्लाह मदीना पहुंचे सुभान अल्लाह बस इतना ही कहना चाहूंगा, छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, दुनिया की फिक्रों से अगर आपने निजात हासिल करनी है तो चल मदीने चलते हैं मेरे भाई, चल मदीने चलते हैं। जिसने मदीना पा लिया उसने दुनिया पा ली, उसने आखरत पा ली,
ऐ अल्लाह सब के गुनाह माफ़ फरमा और सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। दिल से दुआएं खुद निकलती हैं, इतनी दुआएं निकलती हैं कि लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मदीना पाक बैठा हूँ और अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है कि आदम को अच्छी सेहत मिले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको शफा दे, उसकी लंबी उम्र करे, आमीन। ये ज़िंदगी के 21 दिन मुझे ऐसे लगे कि जैसे कि पल भर में गुजर गए हों। ख्वाहिश है इंशाल्लाह फिर दोबारा ज़िंदगी में ज़रूर आऊँगा। हाँ भाई, केसर भाई को लेने के लिए आया हूँ। माशाल्लाह 21 दिन के बाद आ रहा है और तकरीबन रात के 12 बजने वाले हैं और 11:15 बजे की फ़्लाइट है और टाइम पे पहुँच गई है। मैंने अपने घर की छत से ही देख लिया था कि भाई जहाज़ उतर रहा है सऊदी एयरलाइन का। मैंने फटाफट गाड़ी को सल्फ़ मारा, आवाम को तैयार किया, मैंने कहा चलो भाई पहुँचो पहुँचो, चलो चलो एयरपोर्ट चलो, भाई केसर भाई आ रहा है। वालदा उनकी आई है, कम से कम भी हमारे 25-30 लोग आए हैं। ये हमारा कल्चर भी और माशाल्लाह इतना अच्छा है, ये पूरा ये हमारी फैमिली का है। इंशाल्लाह जल्द अंकल आदम होने भी चले अल्लाह नु मंजूर नहीं बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर ली है मजा मजा गुनाह माफ करा के तो भाई कैसा रिया माहौल भाई हैं करवा के दे ये लगदा है अजीब जे लगेगा हुन 4-5 दिन सेट होन लगेंगे थाने दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹਾਜੀ ਹਾਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੈ हाँ भाई आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।